एक छोटे से भूले बिसरे गांव के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं, जो दुनिया को घूर रही थी। हवेली बरसों से खाली पड़ी थी, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले इसे भूतिया मानते थे। रात में अजीबोगरीब आवाजों की, अंधेरे में परछाई हिलने की कहानियां फुसफुसाई जाती थी। स्थानीय लोगों का दावा था कि उन्होंने सूरज डूबने के बाद ढहती दीवारों के भीतर टिमटिमाती रोशनी देखी है। हवेली डर और कौतूहल का स्रोत थी। यह रहस्य की जगह थी, ऐसी जगह जहां जीने वाले कदम रखने से डरते थे। हवेली एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ी थी, जो समय और क्षय का प्रमाण थी। यह रहस्य रखता था, हवा पर फुसफुसाता था। गांव हवेली के साये में बसा था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, वे अपने आप में रहते थे, वे हवेली की कहानियां जानते थे। उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी थी, उन्होंने बाहरी लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। हर कहानी ने डर की एक नई परत जोड़ी। कुछ ने कहा कि हवेली एक दिल टूटे प्रेमी के भूत से प्रेतवाधित थी। दूसरों ने दावा किया कि यह एक बेचैन आत्मा का घर था, जिसे शांति नहीं मिली। सच्चाई जो भी हो, ग्रामीण दूर ही रहे, हवेली अंधेरे की जगह थी, जिस जगह से बचना था। एक गर्म गर्मी के दिन तीन दोस्त गांव पहुंचे। उनके नाम थे अमन, रजत और मोनिका। वे शहर के छात्र थे, जो रोमांच के लिए उत्सुक थे। उन्होंने भूतिया हवेली की कहानियां सुनी थी, वे उत्सुक थे। उन्होंने ग्रामीणों की चेतावनियों का उपहास किया। वे जवान थे और जीवन से भरपूर थे, वे भूतों को नहीं मानते थे। उन्होंने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। वे खुद देखना चाहते थे कि कहानियां सच हैं या नहीं। क्या कहते हो दोस्तों, क्या हम इन ग्रामीणों की कहानियों के साहस का परीक्षण करें? एक भूतिया हवेली में एक रात मजेदार लगता है। ठीक है, लेकिन कम से कम सावधान तो रहे। हवेली खतरनाक है, बहुत से लोग अंदर गए हैं लेकिन कम ही लौटे हैं। तीनों दोस्त बस हंसे। वे हवेली में एक रात बिताने के लिए दृढ़ थे। वे साबित कर देंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। भाग 5, पुराना द्वार। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाई पड़ने लगी। तीनों दोस्त हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे उस आलीशान संरचना के पास पहुंचे, उनके ऊपर बेचैनी की भावना छा गई। हवा ठंडी हो गई, पहाड़ी की चोटी पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवेली उन पर मंडरा रही थी, उसकी परछाई एक काले हाथ की तरह फैली हुई थी। एक बार चमकीला पेंट अब छील रहा था और फीका पड़ गया था। लोहे के फाटक जंग लगे और कोबवेब से ढके हुए एक कराह के साथ खुल गए। एक गहरी सांस लेते हुए अमन ने पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया और वे अंदर चले गए। भाग 6, परछाई और खामोशी। हवेली अंधेरी और खामोश थी, हर तरफ धूल ही धूल थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा भारी और स्थिर थी, केवल उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। वे सावधानी से हवेली से गुजरे, उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। कमरे खाली थे, फर्नीचर टूटा और सड़ रहा था। बहुत पहले मर चुकी आंखों के चित्र दीवारों से उनका पीछा कर रहे थे। हवेली में एक भयानक सन्नाटा था, मानो समय अपनी दीवारों के भीतर ही रुक गया हो। फर्श के तख्तों की हर लकीर, टूटी खिड़कियों के शीशों में हवा की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी को दला देती थी। वे एक गलियारे के अंत में एक बड़े हॉल में आ गए। हॉल एक खिड़की से मंद रोशनी में था। हॉल के बीच में एक भव्य सीढ़ी थी। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, कमरे से एक ठंडी हवा चली, तापमान में काफी गिरावट आई। क्या तुम्हें यह महसूस हुआ? मोनिका फुसफुसाई, उसकी आवाज कांप रही थी। अमन ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें परछाइयों को देख रही थीं।
वे अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी आवाज थी, जैसे कोई आह भर रहा हो। वे जम गए, ध्यान से सुन रहे थे। आवाज फिर आई, इस बार करीब। ऐसा लग रहा था मानो यह सीढ़ियों के ऊपर से आ रही हो। अमन ने धीरे धीरे अपनी टॉर्च उठाई। उसकी किरण अंधेरे से कट रही थी। एक क्षण के लिए उन्होंने इसे देखा, एक छायादार आकृति, मंद प्रकाश में बमुश्किल ही दिखाई दे रही थी। यह सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा था। इसकी आंखें हल्की चमक रही थी, और फिर जैसे ही यह प्रकट हुआ था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। तीनों दोस्त उस जगह को घूरते रहे जहां आकृति थी। उनका खून ठंडा हो रहा था। डर, कच्चा और आदिम उनके दिलों को जकड़ा हुआ था। उन्होंने और देखने का इंतजार नहीं किया, वे मुड़े और भागे। वे हवेली से भागे, उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं हो जाते। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने बात नहीं की, वे बस भागे। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे गांव नहीं पहुंच गए। वे गांव के मुखिया की झोपड़ी में घुस गए हांफते हुए। ग्राम प्रधान ने उनकी बात ध्यान से सुनी। जब वे समाप्त हो गए तो उसने समझदारी से सिर हिलाया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, हवेली अंधेरे की जगह है। तीनों दोस्त फिर कभी उस हवेली में नहीं गए। वे अगली सुबह गांव छोड़कर चले गए। उनका रोमांच छोटा पड़ गया। वे हवेली में अपनी रात को कभी नहीं भूले। उन्होंने इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन वे गहराई से जानते थे कि उन्होंने जो देखा वह सच था। हवेली पहाड़ी पर बनी रही, गांव को देखती एक खामोश प्रहरी। यह रहस्य की जगह बनी रही, ऐसी जगह जहां जीने वाले कदम रखने से डरते थे। और गांव वाले भूतिया हवेली की कहानियां सुनाते रहे, ऐसी कहानियां जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएंगी। तिथि